बेटा जाके पोगो देखो अडल्ट मूवी मैंने इसका आंसर दे दिया ओके योर पीरियड्स मुझे खुशी के साथ एक चैलेंज वीडियो शूट करना था, उसके लिए आज हम लोग बैठे हैं। ड्रिंक्स दिखाओ हमारी, तो देखो जो ज्यादा ना सुंदर अच्छा दिख रहा है वो मेरी ड्रिंक है ये, क्योंकि एज यू गाइज नो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाना ही है, बहुत सुंदर है, प्यारा है, देख के मन करे पीने का। ये देखो कसूरी मेथी सब डाल के लाई है, तो सस्ती ड्रिंक खुशी की अच्छी वाली ड्रिंक मेरी है। सो आज का जो वीडियोस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम करने वाले मे बी और मे बी नॉट, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट स्ट्रेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। आई होप यू गोना एंजॉय दिस वन, इफ यू डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसका एक ही रूल होने वाला है मे बी एंड मे बी नॉट में, अगर किसी ने कोई चीज को डम किया कोई आंसर देने से, सो दे हैव टू ड्रिंक द ड्रिंक। तो जो शॉर्ट बनाया वो बहुत अजीब अजीब सा, जिसको जो बनाना था अपना अपना बनाया, शूट किया, जिसको मैं जब एडिट करूंगी तो मुझे पता चलेगा किसने क्या बनाया है। सो लेट्स जस्ट स्ट्रेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो, आई होप यू गोना एंजॉय दिस वन। फर्स्ट क्वेश्चन, Would you ever date a guy even when your mom doesn't permit it? हाँ depend, अगर अच्छा रहेगा तो मैं definitely maybe or maybe not में तुम्हें answer देना है ऐसा कुछ। Yes I will if he is worth. Okay. तुम बताओ। Maybe yes, it depends upon relationship कैसा है आपका, कितनी maturity है, so yes maybe yes. Yeah, definitely. Everything takes time. Second one, would you choose your best friend over your sibling? Come on. मैंने इसका answer दे दिया। क्यों बेस्ट फ्रेंड और सिबलिंग में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी, माय बेस्ट फ्रेंड इज लाइक अ ब्रदर टू मी, सो मैं चूज ही नहीं कर सकती हूँ कभी भी नहीं। कैन यू टेक अ शॉट ऑफ द ड्रिंक दैट आई हैव, आई विल टेक द शॉट फॉर माय बेस्ट फ्रेंड। सो बड़ा प्यारा सा शॉट है, शिट बहुत गंदा होना है। सो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए आई एम हैविंग दिस, क्या क्या डाला है बहन पता है इसे क्या लगाया, बहुत बड़े इंसान है। शी कितनी सारी हल्दी है, एक गंदा स्वाद नहीं है, कांदे का जूस डाली हूँ मैं इसके अंदर। शी तूने कांदा बर्बाद किया, तूने की मम्मी देखे। शॉर्ट में ले रही हूँ, आई कैन नॉट चूज बिटवीन माय बेस्ट फ्रेंड एंड सिबलिंग। ये कितना सुंदर है। शी द थर्ड क्वेश्चन, वुड यू वॉच एन अडल्ट मूवी और अ वीडियो विद योर यंगर वन? नहीं क्यों, नहीं आई विल नेवर, व्हाई शुड आई? सो आई थिंक मे बी नॉट मेरा भी आंसर रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज अकेले देखना पसंद करती हूँ। देयर इज नो वन इन बिटवीन। क्वेश्चन माय फेवरेट, मुझे पता है हमारा आंसर में डिफर करेगा मोस्टली। वुड यू प्रेफर स्टेइंग अप ऑन बेड और वर्किंग आउट ड्यूरिंग योर पीरियड्स? Staying on bed all the time. I have a very very creepy pains during my periods. मुझे बहुत गंदा pain होता है, तो I prefer कि दो तीन घंटे तक मैं bed पे आराम से लेटी हूँ। So you say maybe not? No no not working at all. I cannot work during that time. Okay. Only for 2 hours. Only for 2 hours. Okay, so I can work. मैं first day अपना योगा करती हूँ। योगा नहीं करती? Guys, इसने सिर्फ ये month में किया है, झूठ नहीं बोला, सिर्फ ये month लेकिन मैं first day वो तुम लोग के डर से नहीं करती, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, और else मेरा pain इतना ज्यादा नहीं, I can bear it, और मैं उस पर मतलब dumbbells के weight हम कम कर देंगे, बाकी I can do a bit of small exercises. So maybe yes. अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत सारी रिसर्च करके मुझे पता चला है दैट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, आप कर सकते हो वर्कआउट। अब आंटी मम्मी बोलती है मानना पड़ता है, इससे के लिए मुझे रोकना पड़ता है, और आई कैन फाइट विद देम। सो मे बी यस गाइस, मे बी यस, लेट्स नॉट नो। फोर्थ फिफ्थ वन, सॉरी, वुड यू डेट अ हॉट गाय और अ क्यूट वन? आई थिंक आई विल डेट लाइक व्हिचएवर इज सूटेबल, जो भी अच्छा रहा, बट ना मैं आपको सच बता रही हूँ, हॉट गाइज को ना बड़ा अपने एटीट्यूड बड़ा घमंड रहता है कि बड़े सुंदर है, सो आई थिंक मैं क्यूट के साथ चली जाऊंगी। सो मे बी एनी वन ऑफ देम, कोई भी चलेगा, मतलब मैं इतनी हॉट हूँ ना, तो यू कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक और एल्स यू हैव टू ड्रिंक द ड्रिंक। अरे यार, मतलब इंसान को हॉट भी होना चाहिए था, क्यूट भी, नहीं क्यूट ही लेते हैं यार, हॉट नहीं चाहिए, चलो ठीक। ये बहुत अच्छा है, वुड यू प्रेफर अ वड़ा पाव डेट और अ कॉफी डेट? नाउ वंस अगेन, मैंने वड़ा पाव इसलिए रखा है बिकॉज वी आर प्योर मुंबईकर्स, तो वड़ा पाव होना ही चाहिए। आई डोंट नो क्या चूज करेंगे, बट वड़ा पाव यार मैं कॉफी डेट पे जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं कभी गई नहीं, सो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू गो। ऐसे क्यों देख रही है, मैं कॉफी डेट पे जाना पसंद करूंगी, वड़ा पाव मैं घर पे खा लेती हूँ, मैं आते जाते हमेशा खा लेती हूँ, इसलिए मुंह सब वड़ा पाव बन गया है। ओके, सो मैं बताऊँ तो मैं एक भी डेट पे गई नहीं, पहली बात बोल ऐसे जैसे मैं 100 डेट पे गई। हाँ, तो मैं तो एक भी डेट पे गई नहीं, ठीक है।
बट मैं वड़ा पाव डेट में जाना चाहूंगी बिकॉज इनको भी पता है मैं ज्यादा एक्सपेंसिव जगह पे जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा वियर्ड सा लगता है, बड़ा शाइनेस होती है. दो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट बट मैं कभी गई नहीं हूँ कितनी सारी जगह. सो वड़ा पाव डेट विद अ स्मॉल कप ऑफ टी. मैं बहुत सारी जगह गई हूँ. तो घूमती रहती है मोटी. वड़ा पाव डेट एनी डे. कॉफी पानीपुरी कॉफी. एनीवेज नेक्स्ट सम हॉट कॉफी. अच्छा ये बड़ा ना कॉम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन है. कॉम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन है. आई डोंट नो क्या आंसर आने वाला. हाँ ओह माय गॉड आई एम सो ब्यूटीफुल. एट वन ठीक है. वुड यू से आई लव यू फर्स्ट एज द फर्स्ट मूव टू द गाय यू लाइक और नो. मैं बोल दूंगी. हाँ सो या मे बी आई कैन इवन से या अगर इफ इट वर्क तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो तुम्हारा पार्टनर बन सकता है, तुम्हारी क्वालिटीज तुम्हें उसमें दिख रही है, सो मैं वो फर्स्ट मूव लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं. तो या इवन आई कैन से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. मे बी यस. या यू शुड टेक स्टेप. क्वेश्चन इज वुड यू लाइक टू बी स्टक इन अ लिफ्ट विद योर क्रश और विद वन साइडेड लव. क्रश के साथ जाना ही नहीं है, बचाएगा नहीं लिफ्ट में. वन साइडेड लवर बहुत ज्यादा ना ऐसे प्यार में डूबा इंसान रहेगा तो बड़ा सेफली रखेगा आपको. सो आई विल गो विद वन साइडेड लवर. वन साइडेड लवर मेरा क्रश क्रश है नहीं. क्रश भाव देता नहीं इतना, इतना किसी के पीछे में भाग नहीं सकता. टेंथ वन ओके. वुड यू चूज बींग फेमस और बींग बिलियनर. देख पैसा पैसा होगा तो आप अपने आप फेमस हो जाओगे. पैसा होगा तो सब हो जाएगा. फेमस से पहले आप पैसा रहो. दोनों की क्वेश्चन ही गलत है. आप फेमस हो गए तो भी आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा तो भी आप फेमस हो गए. अननोन लोग भी हैं जो बहुत छापते हैं लेकिन उनका नाम नहीं है. ठीक है मैं छापना पसंद करूंगी गाइस. ऑब्वियसली पैसा है तो सब है. बाकी मैं यूट्यूब तो चला ही रही हूँ आपकी द्वारा तो फेमस. इलेवेंथ वन वुड यू रादर स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया और स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन. देखो मैं ना सच्ची बता रही हूँ मैं टीवी देखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे जो हिरेश भाई है ना वो बहुत अमीर है तो मुझे हॉटस्टार नेटफ्लिक्स सब देके रखे हुए. तो मेरे सीरियल का जुगाड़ मेरे हॉटस्टार पर हो जाता है. मैं अनुपमा ये सब देख लेती हूँ वहां पे. लिटरली सीरियल देखती हूँ उससे मुझे मैं सोचती हूँ कब बंद करेगी. क्या देख रही हूँ कोई नेटफ्लिक्स दिया है भाई ने चल यूज कर कोई मूवी देख सीरीज देख. नहीं देखती. तो मेरा जब भी हॉटस्टार लॉग आउट होता है मैं हिरेश को सिर्फ बोलती हूँ तेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया. तो वो बोलते हैं अरे यार पागल हो क्या है देखो लॉग इन करो फोन ले रहा. तो हिरेश मेरा भगवान है तो मैं सोशल मीडिया नहीं क्विट करूंगी. मैं टेलीविजन क्विट कर दूंगी. मैं टेलीविजन देखती नहीं सिवाय आईपीएल के. सो अगर आरसीबी का मैच है तो मैं क्विट कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया. बट ऐसे तो सोशल मीडिया चाहिए. हॉटस्टार पे देख लेना मेरे पास तो हॉटस्टार ही है. वुड यू रेदर किल योर सिस्टर और क्विट योर यूट्यूब चैनल एंड नेवर बी अलाउड टू मेक अनदर वीडियो अगेन. दिल से पूछा जाए तो बट मैं इसका डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगी. मैं पी लेती ला ना मैं पी लेती. I want you to drink the whole. वैसे भी adopted है गाइस इधर में. नहीं मैं ड्रिंक पी लूंगी. ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपनी सिस्टर को नहीं मार सकती. यूट्यूब को हटा दीजिए प्लीज. अरे यार वुड यू डेट अ गाय यंगर देन यू. नेवर. Why should I? मैं वही बोल रही हूँ maybe because of maturity. कभी कभार एकदम mature 26-27 साल के लड़के एकदम पागल होते हैं. छोटे वाले अच्छे होते हैं. वही depending upon the maturity I guess. Maturity is more important. और मैं बोलना चाहती हूँ बेटा जाके पोगो देखो. नहीं मैं अपने से छोटे को नहीं डेट करूंगी. डिपेंड्स यार. अच्छा अगर हॉट दिखता हो सुंदर हो तो आई माइट टेक इट. वन वुड यू रेदर टॉक अबाउट योर पीरियड्स विद योर ब्रदर और विद योर डैड. एक डैड से तो कभी बात नहीं हुई. भाई को तो हर दिन बोलते रहते हैं उसमें कुछ नहीं. अमन इज वेरी फ्रेंडली विद अस. अमन हिरेश दे बोथ आर वेरी सुपर सपोर्टिव सो दे हैव दैट नॉलेज ऑफ सब पढ़ते हैं. तो आई थिंक ब्रदर. पापा से तो कभी बात ही नहीं थी. दे डू लाइक अ पार्ट टाइम जॉब फॉर फॉर बॉयफ्रेंड. दिखाते हैं यूजुअली सब चॉकलेट. मेरे डिटेल आप ब्रदर से बात है. वुड यू गो ऑन अ डेट विद अ स्ट्रेंजर और विद योर बेस्ट फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड. स्ट्रेंजर के साथ तो जाऊंगी नहीं. पक्का नहीं जाऊंगी. जिससे जान ना पहचान उसको क्यों बोलेंगे भाई. नहीं तो भाई थोड़ी बोल भाई नहीं मतलब मैं उसके साथ क्यों जाऊंगी कोई स्ट्रेंजर के साथ. नहीं और बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं. जीजा जी लगेंगे हमारे. वैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है. सो आई वुड लाइक टू हैव ड्रिंक. शी वुड लाइक टू हैव ड्रिंक. हां मेड बाय माय सिस्टर. दिस इज इसका कुछ नाम रख देती ना एंडा गोंडा सुंडा गुंडा. नॉट गोइंग ऑन डेट विद हिम दैट्स नॉट माय टेस्ट. सो स्ट्रेंजर कुछ अच्छा कुछ नया एक्सप्लोर करने मिले तो जीता कौन गया था पता चलेगा. जीतना हारने का था ही नहीं. तो अभी ना जिसने जो ड्रिंक बनाई है वो अपना टेस्ट करके बताए. ये तो बहुत वियर्ड होने वाला है. बहुत ऐसा गंध एकदम चटक चटक सा कुछ है ना इसमें. सेजवान चटनी डाली थी. हाय राम.
शेजवान चटनी थी। पेट फट जाएगा मेरा। हल्दी, कांदे का जूस, पीनट बटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी बोला ना मैंने, प्लीज लाइक कर दे जाओ, सब्सक्राइब कर दो। बाय, जय माता दी। आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको चाहिए ना मैं अपनी बहन के साथ और चैलेंज करूं खराब खराब इसका मुंह लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा और इसको लेकर आऊंगी। सो गाइज, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल स्टाइल विद नेहू, बेल भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एंड इस चैनल पे बहुत सारी फन चैलेंजेस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल भी इधर से उधर मत जाइएगा, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, जैसे कोई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन दिखे तुरंत दबा के देख लीजिएगा। सो यार, मैं आपको भी बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ चल रहा हूं, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, लव यू, बाय, लव लव लव, सी यू सून, और इसको बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, बाय।